नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मामले आए सामने, 281 मरीजों की हुई मौत। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक मुहैया कराई गई है 78 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया बोले, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत ने इतिहास रचा, वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा लगी डोज। प्रॉपर्टी विवाद में भिड़े 2 गुट, एक व्यक्ति की आंख पर गंभीर चोट, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। महापौर ने दिए निर्देश, का जानलेवा गड्ढों की तुरंत करें दुरुस्ती। देशमुख के 10 से 12 स्थानों पर रेड, ईडी सीबीआई के बाद अब आयकर विभाग मैदान में, 200 अधिकारी कर्मचारी लगे काम पर। ओबीसी आरक्षण पर राजनीतिक दल बेखबर, तायवाड़ा ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, अनोखे आंदोलन में बेरोजगारों ने चले पकौड़ी। बापा के विसर्जन के लिए 248 कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था, शुक्रवार को महापौर ने किया निरीक्षण। नागपुर जिले में शुक्रवार को सामने आए 8 नए कोरोना संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा रहा 0 पर। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।